ऋषि अंगिरस पुत्र साम्रत, तुम्हें श्राप देता हूं। जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतया भूल जाओगे। उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतया भूल जाओगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। मैं अग्निदेव तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। मैं
मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। त्रिदेव इसी क्षण का सामना करने से रोकने के लिए हमें यहां से दूर भेजने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब वो समय आ गया जब आप दोनों को हनुमान के जीवन से पृथक होना होगा। चापित होने वाला है हनुमान, चापित होने वाला है हनुमान, चापित होने वाला है, चापित होने वाला है। साम्रत, हनुमान ने तो गंगा की पवित्र धारा को अन्य समस्त नदियों को जोड़कर उन्हें भी शुद्ध और पवित्र करने का महापराक्रमी कार्य किया था। ये तो पुरस्कार के अधिकारी था, परंतु तुमने इसे श्राप देकर इनके सारी शक्तियां ही छीन ली। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ बैठा मैं। क्रोधवश मेरी मति फिर गई थी या ये नियति की कोई क्रीड़ा थी? हनुमान तो बालक होते हुए भी मुझसे भी बड़ा भक्त है। उसके भक्त की एक गुहार पर स्वयं प्रभु उसके हाथों से भोजन करने चले आए। ऐसी भक्ति को प्रणाम करने के स्थान पर तुमने इसे श्राप दे दिया। मैं तो मात्र तेजस्वीता ही नहीं पहचान पाया था हनुमान की, परंतु तुमने तो इसे तेजहीन कर दिया। अनेक शत्रु है मेरे लाल के, महाबली, महामायावी और मेरा पुत्र शक्ति ही।
होगा मेरे लाल का। साम्रत, तपस्या और साधना से तुम वरदान और श्राप की शक्ति तो पा लिए हो, परंतु तपस्वी होते हुए भी तुम में धैर्य नहीं है, तुम में कोई संयम नहीं है। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है साम्रत, जिसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। पुत्र साम्रत, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, तुम एक स्थान पर कभी भी अधिक समय तक टिक नहीं पाओगे। अपने अस्थिर मन के ही भांति तुम एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहोगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी साम्रत। बिना विचार किए कार्य करने वाले लोगों को यूं ही पश्चाताप करना पड़ता है। मैंने पूर्ण सत्य जाने बिना ही हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ लिया। मैं पापी इसी दंड के योग्य हूं पिताश्री। आपने मुझे श्राप देकर उचित ही किया पिताश्री। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहती हूँ ऋषिवर, आपने भी वही किया जो आपके पुत्र ने किया। क्रोध वश श्राप दे दिया आपने ऋषि साम्रत को। देवी अंजना, ये मेरा क्रोध नहीं, न्याय था। साम्रत के दुष्कृत का फल दिया है मैंने उसे। इससे हनुमान को उसकी शक्तियां तो वापस नहीं मिल जाएंगी। हनुमान आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ही शापित हुआ है। हनुमान नेत्र खोलो पुत्र। उठो हनुमान। केसरी जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, परंतु समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। समाधान? इस शाप का समाधान? ऋषिवर, हमारा जो कुछ भी है, ये वैभव, ये राजपाट, सब कुछ ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र के इस श्राप का समाधान कर दीजिए। मेरे अनुमान को पूर्ववत कर दीजिए ऋषिवर। देवी अंजना, एक मां की पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं,
किंतु आप चिंता मत कीजिए, हनुमान श्राप मिलने से पूर्व हनुमान जैसा शक्तिवान था वो पुनः वैसा ही शक्तिवान बन जाएगा। साम्रत, बहुत बड़ी भूल हुई है तुमसे और इस भूल का सुधार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें अपना दिया हुआ श्राप वापस लेना होगा साम्रत। पिताश्री, परमपिता ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है, वरदान या श्राप कोई एक बार देने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं एक क्षण विलंब किए बिना ही हनुमान को दिया हुआ श्राप वापस ले लेता। यह तो मुझे भी ज्ञात है पुत्र, ब्रह्मा जी के विधान के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। किंतु दिए हुए श्राप को सीमित तो किया जा सकता है। अन्यथा सारे देव कार्य भी बाधित हो जाएंगे। मैं साम्रत ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। और हनुमान को मेरे श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। पाना सभी चाहते हैं, किंतु ये सर्वदा स्मरण रहना चाहिए कि महान शक्तियां तभी महान कार्य करती हैं जब उन्हें प्राप्त करने वाला मनुष्य उनका प्रयोग संयम और विवेक के साथ करे। असंयम और अविवेक बड़े अनर्थ को जन्म देते हैं, जैसा साम्रत के कृत्य से हुआ। सत्य कहा द्वारिकाधीश, बड़ी शक्तियां बड़े दायित्व तो भी लेकर आती हैं, जिन्हें निभाना सबके वश में नहीं होता। हाँ प्रिय, साम्रत ने यदि संयम रखते हुए पूर्ण स्थिति पर विचार किया होता तो हनुमान को कदापि श्राप ना देते। किंतु प्रिय, अबोध हनुमान से भी अज्ञानता वश भूल अवश्य हुई थी। किंतु स्वामी, अज्ञानतावश हुई भूल का इतना कठोर दंड? प्रिय, भूल अज्ञानतावश हो या असावधानी से, दंड ही उसका प्रतिकार है। भले ही हनुमान अपनी महान शक्तियों के प्रयोग से
महान दायित्व निभा रहे थे, किंतु उनकी असावधानी से ही साम्रत का यज्ञ भंग हुआ था। यही हनुमान की भूल थी, अर्थात उद्दंडता थी। विशेष शक्तियों के स्वामी को सदैव पूर्ण सावधानी और सजगता के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जो हनुमान नहीं कर सके और उन्हें इतना कठोर दंड प्राप्त हुआ। हनुमान, हनुमान, तुम्हारी मां तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकती पुत्र। तुम्हें उठना होगा मेरे लाल, नेत्र खोलो पुत्र। श्री, आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ हुआ था क्या? नानी जी, हनुमान को कुछ हुआ था क्या? उसकी देह पूर्णतः शक्तिहीन एवं क्लांत प्रतीत हो रही है। आप ऋषिवर, मुझे आपके किसी कार्य के लिए जाना था ना? हनुमान की स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है, इसने जो पराक्रम किए उन्हें भी भूल गया है ये। पिताश्री, मुझे ये क्या हो गया? मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। हनुमान की ये दशा मेरे कारण ही हुई है, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। साम्रत, ठहरो। मैंने भी हनुमान की भक्ति और शक्ति पर अविश्वास किया था। दोषी हम दोनों ही हैं हनुमान की इस स्थिति के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं पुत्र। मैं निर्दोष हनुमान को इस स्थिति में नहीं देख सकता। महाराज केसरी, दुर्भाग्य से यह जो कुछ भी घटित हुआ है उसका दुख है मुझे। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। मैं भी लज्जित हूं अपने कृत्य पर। हो सके तो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। जाने से पूर्व हनुमान की भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद। होने को कौन टाल सकता है ऋषिवर? यही विधि का विधान था, जिसे ना तो एक पिता बदल सकता था और ना ही
आप जैसे महान ऋषि परिवर्तित कर सकते थे। शाप साम व्रत जो दे डारे, हनुमत खोई दिए बल सारे। भूल ऋषि वर का कर डारी, अब पछताए कोप पे भारी। मात पिता संतप्त दुखारे, किंतु नियति कौन है तारे। होवे कारण हृदय द्रविता, जो करें जग पिता करे उचिता। आप सबका कल्याण। लीला राम भगत की जय, जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम ऋषिवरो। हनुमान के साथ बहुत बुरा हुआ, हनुमान के बहुत उपकार है हम देवताओं पर। मैं भी उसे स्थिति में नहीं देख सकता। देवराज इंद्र, हनुमान मेरा पुत्र है और पुत्र की पीड़ा एक पिता के लिए अधिक कष्टदायक होती है। मुझे तो भय है कि हनुमान अब स्वयं को संभाल भी पाएगा या नहीं। न जाने क्या होगा वायुदेव। सदैव धर्म और सत्य को विजय दिलाने वाला हनुमान आज असहाय एवं अशक्त हो गया है, और हम देवता मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हैं। वरुण देव, मेरा शिष्य होकर भी हनुमान ने सहायता की है मेरी। पाताल लोक जाकर असुरों का वध कर, समय रहते ही मेरा रथ वापस दिलाया हनुमान। अश्व, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। मेरी सहायता करने वाला भी हनुमान ही था सूर्यदेव। रावण जैसे महाबली असुर राज के हाथों से अमृत को युक्ति से बचाया था हनुमान ने। चंद्रदेव, केवल अमृत को ही नहीं, अभी तो इस समस्त संसार को असमय कालकूप में समाप्त होने से बचाया था हनुमान। मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे मेरी भूल का आभास कराया। देवराज, शनि देव के समक्ष इस प्रकार खड़े होने का साहस केवल हनुमान में ही है, और आज वही हनुमान। देवराज, बहुत संकट की घड़ी है। हनुमान ने हम सभी देवताओं को हर क्षण किसी न किसी रूप में सहायता की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम हनुमान की सहायता करें और उन्हें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण, अग्निदेव सत्य कह रहे हैं देवराज इंद्र। अब हनुमान को पुनः अपनी शक्ति संग्रहित करनी होगी, तभी हनुमान के जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होगा।
नारायण नारायण। सत्य है देवराज इंद्र कि अब तक देवताओं और संसार के हित के लिए हनुमान ने बहुत कुछ किया है और अब समय आ गया है कि हम सब भी हनुमान के लिए कुछ करें। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ऐसी परिस्थिति में तो अब केवल महादेव ही हमें उचित मार्ग दिखा सकते हैं कि हम सब हनुमान के लिए क्या करें। माँ, ऋषिवर की बात का तात्पर्य क्या था और पिताश्री के सोने को डालने की बात कर रहे थे, हनुमान को कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है? माँ, मुझे बताइए ना, क्या हुआ था? पुत्र, जो हुआ उसमें स्मरण करने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए उस विषय के बारे में सोचकर समय व्यर्थ मत करो। हनुमान, सोचना है तो अपने भविष्य के बारे में सोचो पुत्र और आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है महादेव तुम्हारे भोले बाबा तुम्हारे भविष्य की दिशा का निर्धारण करने के लिए अवश्य कुछ करेंगे। भोले बाबा, अब आप ही हनुमान की सहायता कीजिए। ओम नमः शिवाय।